हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं प्रवीण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे भाई आज की इस वीडियो में। तो मेरे प्यारे साथी, एसएससी जीडी 2024, अगर आपको मेरे भाई फिजिकल को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट चल रहा है तो आप एकदम सही जगह हो। इस वीडियो को पूरा देखना, आपके मन के डाउट खत्म हो जाएंगे। तो बात करेंगे आज हम एसएससी जीडी 2024 फिजिकल डिटेल के बारे में। सबसे ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके मन में एक ही चल रहा होगा, सर फिजिकल कब होगा, कहां होगा और कैसे होगा। इस पर विशेष में चर्चा करने वाले हैं, इस वीडियो में बने रहना। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। मेरे प्यारे साथी, आपके सामने क्या इंफॉर्मेशन है? तो अगली स्लाइड मेरे प्यारे साथी आपके सामने हाजिर है। ये आपके मन में जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं फिजिकल को लेकर, सारे क्वेश्चनों के आपको आंसर मिल जाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल चुके होंगे। तो प्यारे साथी, वन बाय वन मैं डिस्कस करूंगा एक एक पॉइंट पर। तो मेरे प्यारे साथी, फिजिकल संबंधी महत्वपूर्ण सोचना, जिन बच्चों का मेरे प्यारे साथी एसएससी जीडी की कट ऑफ में नंबर आ चुका है, मेरे प्यारे साथी तहे दिल से कैरियर क्राफ्ट परिवार की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे भाई उन बच्चों के, सभी बच्चों के साथ हैं। आगे और बेहतर तरीके से आप कर पाए और मेरे भाई अंतिम पड़ाव तक आप पहुंचे और फाइनल सिलेक्शन लेकर और कैरियर क्राफ्ट पर हमसे मिलने आए, हमारी यही उम्मीद है प्रत्येक बच्चे से। तो मेरे प्यारे साथी, अब आपके मन में क्या क्या है कि फिजिकल कब से, ये आपका डाउट है। आगे बढ़ते मेरे भाई, फिजिकल कौन कराएगा डिटेल में चर्चा करेंगे, फिजिकल कहां होगा, फिजिकल में क्या क्या होगा और फिजिकल के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, क्लियर है, और फिजिकल एडमिट कार्ड कहां आएगा, ये सारी चीजों पर विशेष में चर्चा करने वाले हैं। ये आपके जो महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हुए हैं, इन्हें मेरे भाई ध्यान पूर्वक आपको एक एक पॉइंट को सुनना है। तो मेरे प्यारे साथी चर्चा करते हैं। अब सबसे पहला है कि फिजिकल कब से होगा। मेरे प्यारे साथी, 10 तारीख को आपका रिजल्ट आ चुका है, 10 जुलाई को। तो अभी आपको पता है मेरे प्यारे साथी, अभी थोड़ा सा समय लगेगा फिजिकल की डेट को आने में। तो मेरे प्यारे भाई, अगर हम संभावित बात करें तो 30 से 35 दिन का आपके पास समय है। 30 से 35 दिन बाद आपका फिजिकल होगा, एक महीना लग जाएगा फिजिकल को होने में, क्लियर है कि नहीं। तो कम से कम अगर बात करें मेरे भाई, तो 30 से 35 दिन का समय है जिसमें आप अपनी तैयारी कर सकते हो फिजिकल की, इससे ज्यादा नहीं है। क्योंकि मुझे 100% पता है कि अगस्त में मेरे प्यारे साथी आपके फिजिकल होने की पूर्ण रूप से संभावना है, अगर कोई दिक्कत ना रही तो, क्लियर है। क्योंकि आपको पता, अगस्त में नई वेकेंसी आने वाली है, 27 अगस्त मेरे प्यारे साथी नई वेकेंसी के फार्म भरे जाएंगे एसएससी जीडी को। तो मेरे प्यारे साथी, ये फिजिकल को समय से कराएंगे, 30 से 35 दिन का अभी आपके पास समय है। आगे बढ़ते हैं, फिजिकल कौन कराएगा। तो मेरे प्यारे साथी, फिजिकल कौन कराएगा, इसका एक अहम मुद्दा बनाऊंगा। तो आपको पता है मेरे भाई, फिजिकल को जो कराएगी वो सीआरपीएफ कराएगी, सीआरपीएफ कराएगी, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, फिजिकल कहां होगा। तो मेरे प्यारे साथी, अब एक चीज सबसे बड़ा डाउट ये बना हुआ है कि फिजिकल कहां होगा, इस चीज का मतलब क्या है। तो मेरे प्यारे साथी, आप सोच रहे होंगे पीजी पर, रोड पर होगा या ग्राउंड पर होगा। तो प्यारे भाई, पहले मैक्सिमम टाइम फिजिकल एसएससी जीडी का तो मेरे भाई रोड पर दौड़ाया जाता था बच्चों को, काफी दिक्कतें होती थी रोड पर दौड़ाने में, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और मेरे प्यारे भाई, जो भी फिजिकल को कराता था बहुत बड़ी चुनौती रहती थी। तो अब की जो आपका फिजिकल होने की संभावना है पूर्ण रूप में, आपका फिजिकल मेरे भाई ग्राउंड पर होगा, ग्राउंड पर, बोलो हाँ या ना। तो मेरे प्यारे साथी, फिजिकल कहां होगा, ग्राउंड पर होगा, रोड पर नहीं होगा, आपके पैरों में चिप बांध दी जाएगी और मेरे भाई ग्राउंड पर आपका फिजिकल होने वाला है। फिजिकल में क्या क्या होगा, तो मेरे प्यारे साथी, ये जो आपके कट ऑफ लगी है, ये आपकी मेरे भाई पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीईटी की है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीएसटी और पीईटी आपका कराया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब क्या है मेरे भाई, माप तोल होगी आपकी, और फिजिकल एफिशिएंसी का मतलब है दौड़ भाग कराई जाएगी, क्लियर है कि नहीं। तो ये आपका फिजिकल में क्या क्या होगा, आपका पीएसटी होगा और पीईटी होगा, कहने का मतलब लंबाई आपकी चेस्ट मापी जाएगी, आपकी दौड़ होगी फिजिकल में, ये सारे मेजरमेंट आपके कराए जाएंगे फिजिकल में। आगे बढ़ते हैं, फिजिकल के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या। तो मेरे प्यारे साथी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने, एडमिट कार्ड कब आएंगे, वो सारी चीज हम बात करेंगे। फिजिकल एडमिट कार्ड कहाँ आएगा और कब आएगा। अगर मेरे प्यारे साथी, आपको पता, अगर आपके फिजिकल स्टार्ट होंगे तो उससे 10-5 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, क्लियर है कि नहीं। आपको पता है फिजिकल के जो एडमिट कार्ड है मेरे प्यारे साथी, वो एसएससी की ऑफिशियल साइट पर आप डाउनलोड कर सकते हो जाकर, या मेरे भाई सरकारी रिजल्ट पर भी आपको एडमिट कार्ड की लिंक मिलेगी, वहां से भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो फिजिकल के लिए। आपको पता चल जाएगा आपका ग्राउंड कहाँ है, किस दिन आपका फिजिकल है और कौन सी शिफ्ट में आपका फिजिकल होने वाला है, क्लियर है।
अब बात चल रही है फिजिकल के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं और अगली स्लाइड पर देखते हैं क्या क्या आप डॉक्यूमेंट लेकर जाओगे। सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन है मेरे भाई, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे। तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इन डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ लेकर जाना है अगर आप फिजिकल देने जाओगे। तो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, सबसे पहले तो फिजिकल का जो एडमिट कार्ड आएगा, आप जिस एडमिट कार्ड को निकलवा के लाओगे डाउनलोड करोगे, वो एडमिट कार्ड का आपके पास क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए पहला। दूसरा मेरे भाई एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, आईडी प्रूफ सब पर होगा, आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड होगा, और आधार कार्ड और पैन कार्ड में मेरे भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ एकदम क्लियर होनी चाहिए, फोटो छपा हो, क्लियर है, डेट ऑफ बर्थ और फोटो आपका साफ दिखना चाहिए, क्लियर है। आगे कास्ट सर्टिफिकेट ले जा सकते हो आप अपने साथ, देखो नीड होगी तो मेरे भाई मांगेंगे, वो कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, जरूर मांगा जाएगा, आपकी कौन सी कैटेगरी है उसे मेरे भाई वेरीफाई करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट अपना लेकर जाना, क्लियर है कि नहीं। नहीं हो सकता है कि आप सोचो सर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा तो आपको आगे दिक्कत हो सकती है, इसलिए लेकर जाना मेरे प्यारे साथी। आगे मेरे भाई फोटो, आपको पता है जब आपका फिजिकल होगा तो कई फॉर्म भरने पड़ते हैं, तो वहां जगह जगह पर आपके फोटो की जरूरत पड़ेगी, तो कम से कम मेरे भाई 8-10 फोटो आपके पास होने चाहिए, फोटो आपके पास होंगे, पासपोर्ट साइज के फोटो आपके पास होने चाहिए। आगे मेरे प्यारे साथी और क्या लेकर जाना है, आपको पता है जो वेकेंसी थी मेरे भाई 10th बेसिस पर थी, क्लियर है कि नहीं। तो 10th की तो मार्कशीट कंपलसरी है, 10th की तो ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेकर जानी है, हो सके तो आप साथ में मेरे भाई 12th की मार्कशीट भी लेकर जा सकते हो, क्लियर है कि नहीं। 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट लेकर जाना, 10th से आपका काम हो जाएगा क्योंकि 10th बेसिस पर ये क्या थी आपकी भर्ती थी, क्लियर है। अब मेरे प्यारे साथी आपके मन में अगर कोई डाउट हो तो बता सकते हो। अब मैं बता दूं मेरे भाई एक डाउट चल रहा होगा, आपकी सबसे पहले मेरे प्यारे साथी दौड़ होगी, दौड़ ग्राउंड पर होगी तो चिप बांधी जाएगी आपके पैर में, और दौड़ जो होगी मेल के लिए बता देता हूं, मेल के लिए जो समय मिलेगा मेरे प्यारे साथी, मेल के लिए कितनी दौड़ होगी, आप कहोगे सर 5 किलोमीटर की रनिंग है मेल के लिए, और कितनी मिनट में, 24 मिनट में। अगर हम फीमेल की बात करें ये 24 मिनट का समय है, अगर हम यही फीमेल की बात करें, अगर मेरे प्यारे साथी फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग है, और मेरे प्यारे साथी इसके लिए 8.5 मिनट का समय होगा, 8.5 मिनट का समय दिया जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो मेल और फीमेल के लिए, मेल की चेस्ट का भी मेजरमेंट होगा, चेस्ट में मेरे भाई आपकी 80 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, अगर 80 सेंटीमीटर से कम है तो दिक्कत होगी, और 80 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का आपका फ्लाव होना चाहिए 80-85, क्लियर है। अगर हम मेल की मेरे भाई बात करें हाइट की, तो आपको पता है मेल की जो हाइट होगी 1.70 मांगी गई है, 1.70 मांगी गई है जनरल की, ठीक है, आप अपनी कैटेगरी जो है देख सकते हो कितनी कितनी हाइट है, क्लियर है। तो 1.70 आपकी मिनिमम होनी चाहिए हाइट, क्लियर, 1.57 शायद फीमेल की होगी। तो ये आपके लिए मेरे भाई बहुत महत्वपूर्ण सूचना थी, आपके मन में अगर कोई भी अब भी डाउट हो तो मेरे प्यारे साथी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, कमेंट के माध्यम से प्रत्येक डाउट आप अपने नीचे कमेंट करोगे तो प्रत्येक डाउट का आपको आंसर मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथी आज मैं वीडियो को इतना ही रखता हूं, अगर आपको मेरे भाई जानकारी पसंद आई हो, इसी तरीके की आपको आगे अपडेट मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे प्यारे साथी आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, जय हिंद, वंदे मातरम।